गाइस वेलकम बैक टू नाजायज होटल। और जैसे कि तुम सबको याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैंने एक बहुत तगड़ा अपग्रेड करा था, जिसमें मेरे पास टोटल 3 कमरों से एक और कमरा बढ़ गया था, टोटल 4 हो गए थे। और एक कमरे के लिए मैंने बहुत मेहनत करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा करा था और तगड़ी तगड़ी चीजें मंगाई थी, जिससे कि वो कमरा एक नंबर बन जाए। सो लेट्स गो भाई, वो सामान आता ही होगा, फटाफट से गेम में चलते हैं और वो सामान जमाते हैं। ओके, तो अभी अपन गेम में आ चुके हैं और एक्सपेक्टेड डिलीवरी 17 की है और अभी 12 बज रहे हैं। चलो तो कुछ देर सोए आते हैं, कुछ काम है नहीं, काम धंधा सब बंद कर रखा है मैंने, क्योंकि फ्यूल वगैरह है नहीं तो वहाँ पे कोई आएगा नहीं। और 17 बजे उठेंगे भाई डायरेक्ट, कोई कस्टमर वगैरह आएगा तो अभी 17 बजे उठेंगे। 17 बजने वाले इन 3, 2 और 1। ओके, ऑफिस पे कोई आ रखा है, शॉप पे कोई आ रखा है, मैं उठ ही जाता हूँ और इससे पूछ लेते हैं क्या चाहिए भाई। 1 बेडरूम सेट चाहिए इसको और अभी जमा हुआ नहीं है यार, दोनों में डबल डबल बेडरूम थे और वो सब भरे हुए हैं। सॉरी मैडम आपके, अरे क्या करते हो, कर जाते हो क्या भाई? से पिछले एपिसोड में बोलने का मन था, मैंने बोला नहीं था, लेकिन बिल्कुल नीचे भाई, क्या थी भाई, रुक जाओ। हाँ, अभी मेरे को, ओए मेरा ऑर्डर क्यों नहीं आया? आ गया, ओए मैं डर गया था साले, कहाँ था तू, कहाँ रह गया था तू? 18 हो गए हैं, 17 का टाइम है तेरा। बाकी इसके ऊपर कोई तो कस्टमर आ रखा है मेरा। और लाइट चली गई है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रुक जाओ यार, ये जनरेटर क्या, और ये कुत्ते भौंकने लग रहे हैं भाई, लाइट बंद करती तो अलग डर लगता है, लाइट नहीं होनी चाहिए बंद। रुक जाओ यार, मेरे को एक और अपग्रेड करना पड़ेगा छोटा सा, जिसके अंदर ये लाइट जाना भी बंद हो जाएगी बार बार, तो फिर अपने को लाइट की दिक्कत तो नहीं आने वाली है उसके बाद से। इसको डाल देते हैं इसके अंदर और इसको ऑन कर देते हैं। बाकी अब चलते हैं ऑर्डर देखने, थोड़ा बहुत लाइटें जल गई हैं सब तरफ की। चलो भाई ला भाई ऑर्डर दे दे। और देख रहे हो पूरा ट्रक भर के आया है, कितनी गंदी तरीके से नहीं मतलब अच्छी तरीके। और भाई बेड तो सही लग रहा है, देखते हैं यार उसमें जमने के बाद कैसा लगता है। थोड़ा सा विंटेज टाइप का लुक रखा है मैंने पूरे में, तो देखना बनता है भाई क्या क्या होता है। शेट, एक प्लग मंगाना भूल गया हूँ मैं, क्योंकि जो टीवी है वो तो प्लग्ड इन ही रहेगी ना। ये शेट होगी ना, ये तो मेरे साथ। लो सारा सामान खाली करवाता हूँ, अभी मैं इसी के ऊपर रखवा रहा हूँ। अबे टॉयलेट भी, यहाँ टॉयलेट क्या प्यारा आया है, सही है रे। चलो चलो सबसे पहले जो है कस्टमर्स को दिखाता हूँ। कस्टमर ही भाई पैसा देने वाले लोग हैं, तो पैसा तो जरूरी है ही, क्योंकि अभी 2 मिनट में कमरा जम जाएगा, उसके बाद मेरे पास सारा पैसा खत्म भी हो जाएगा। अभी कमरे की एक्साइटमेंट थी, फिर मैं बोलूंगा साला सारा पैसा खत्म हो गया। और ये रहा सामान, चलो सब मैंने उतरवा लिया है। इसको रखो यहाँ पे और इसको रखो, ओ और देख रहे हो तुम, अरे रुकना भाई रुकना, ये देखिए। ओए यार ये कुछ ज्यादा व्हाइट में आ गई है, मुझे डार्क चाहिए थी। नहीं भाई शिट कर दी, ये तो शिट कर दी, टेबल के साथ थोड़ी सी शिट कर। चलो ये सब चीजें उठाओ, ये उठाओ, बुक्स आई है। ओके ये बुक्स हैं, इन चीजों को रखते हैं, इसको तो यहाँ लगा दूं क्या, ओ क्या सही लगेगा। और ये बुक्स हैं, इन बुक्स को अभी फिलहाल नीचे रख देता हूं मैं। और ये क्लॉक बहुत ज्यादा बड़ी आ गई है, ये हीटर है और ये इसको यहाँ रखो। चलो एक एक सामान मंगाया है भाई नए कमरे के लिए, बहुत तगड़ा लगने वाला है मेरा नया कमरा। इस लाइट को लगाते हैं, अच्छा इसको तो पहले तो रखो, ओ ब्लैंकेट सही मैचिंग आ गई, इसको लगाते हैं ऊपर। और ये डब्बे को रखो यहाँ, इसको रखो यहाँ, एक और बुक है इसको भी रखो यहाँ। इस कमरे के चार्जेस बहुत रखने वाला हूँ मैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि कमरे में एसी वेसी क्या क्या नहीं है ये बताओ मेरे को। अरे लेकिन एसी के लिए भी तो प्लग मंगाना था, अरे ये तो शिट ही कर देता हूँ मैं, जोर जोर से शिट करता हूँ, इतनी जोर से शिट करता हूँ ना क्या ही बताऊँ। ये जमते सामान नहीं जम रहा है, कितनी देर लगेगी सामान जमने में। और ये सारे बॉक्सेस को तो यार बाहर ही रख लेता हूँ, रुको रुको रुको, ये जो बॉक्सेस है ये भी यहाँ रखना चाहिए, ये भी रखा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि भाई ये बॉक्सेस ना भी काम आएंगे। फिर मैं ढूंढता फिरूंगा कि मैंने वो बॉक्सेस कहाँ रख दिए। इन सब बॉक्सेस को रखो बाहर, ठीक है। और है क्या बॉक्सेस, इसके अंदर क्या है? ओके ये तो टॉयलेट पेपर वगैरह, ये तो बाद में काम आते रहते हैं। ओके एक ये रहा बॉक्स, ठीक है, इसके अलावा एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा। भाई ये वॉलपेपर वाले बॉक्सेस है, कर्टेन वाला बॉक्स है वो एक, और बाकी बॉक्स नहीं रखे मैंने। ओके एक बॉक्स ये रहा, ये तो टॉवल का बॉक्स है, टॉवल का बॉक्स यहाँ। चलो सारे बॉक्सेस बाहर निकालनी है। और कुछ यार यहाँ पे गंदे कपड़े पड़े थे, वो लेके आता हूँ मैं। गंदे कपड़ों को मैं धोने में रखता हूँ, वरना बाद में एंड इन टाइम पे दिक्कत आएगी। चलो ये साफ कपड़े हैं, इसके अंदर कोई गंदा तो नहीं है, ठीक है। इन गंदे कपड़ों को डालो इसके अंदर और इसको कर दो स्टार्ट। इसके बाद इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, रुको यहाँ, इसको रुको यहाँ, इसको रुको यहाँ। मिरर को लगाओ यहाँ पे और ओ क्या सेल्फ है भाई, ये ऐसे आएंगी, ये बाथरूम की सेल्फ है। इसको उठाते हैं, इसको उठा दो, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, जल्दी जल्दी चलो अंदर की, चलो इस साइड अंदर की साइड चलो। इसको रखो यहाँ, इसको रखो यहाँ, इसको रखो डब्बे को बाहर और सोफ। ओ बाथटब देखो तुम, और ये टाइल है, ये कर्टेन है। ओके ये बाथरूम कर्टेन है। बाकी अभी कौन आ रखा है, ऑफिस पे कोई आ रखा है, एक सेकंड रुक जाओ, शॉप पे भी कोई आ रखा है, शॉप वालों को निपटाओ भाई, ऑफिस वाले को तो वैसे भी भगाने का है मेरे को। लाओ भाई लाओ, फटाफट से सामान दे दो, ये मैं साफ कर दूं तुम लोगों की गंदगी। लाओ चलो, ओके डन भाई, अभी बचा हुआ सामान उतारते हैं। ये यहाँ पे, ओ ये भी बढ़िया आया है, रेडिएटर वगैरह भी बढ़िया आए हैं, इनको रखते हैं यहाँ पे। कहाँ लगेगा देखना भाई, ये नौटंकी दे रहा है,
को यहाँ रख, इसको रखना है मेरे को बाहर। ये ओ कॉफी वाली बॉक्स आई है, मतलब कॉफी वॉफी बनाने के लिए। इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो। भाई इतने सारे तो आइटम आए हैं अपने, उसके अंदर सामान, मतलब ये सिर्फ वॉल्स की है और उसकी है, जो वॉल पे लगने वाला आइटम है ना वो है, और सीलिंग वगैरह है बस। ये देखो इतना सारा आइटम है, ये देखो इतना आइटम मंगाया है मैंने। बाकी अब और कुछ तो नहीं रह गया ना इसके अंदर, भाई बता दे, देख कुछ रह गया हो तो। चलो कुछ नहीं रह गया, चल भाई तू जा सकता है अभी, ठीक है। थैंक यू आपका बहुत बहुत। ऑफिस के अंदर एक कस्टमर आ रखा है, उसको मैं थोड़ा सा एंटरटेन कर देता हूँ। आओ दोस्त, डबल बेडरूम लेना चाह रहे हो तुम? रुको होल्ड ऑन करो, कोई जाना चाह रहा है क्या इनमें से? यार इनका टाइमिंग कैसा पता पड़ता है कि कब जाएंगे? रुकना एक सेकंड, रुको रूम में चलो। ओके 13 घंटे इसके बचे हैं और 36 घंटे इसके बचे हैं, ठीक है। ऐसी बात है भाई, लॉन्ग नहीं यार। देख बात ऐसी है, मेरे पास है नहीं, तेरे को बना के दे सकता हूँ कुछ देर रुके तो, लेकिन तू कुछ देर रुकेगा नहीं तो तू चल जा। चलो भाई अब अपना रूम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये शॉप वॉप के कस्टमर्स आते रहेंगे, इनको तो बिलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई मेरा ना, मेरे को ना पैसे भी कमाने साथ के साथ। चलो अभी ये सारी सामानों को मैं फेंक देता हूँ। और अरे सॉरी सॉरी बड़ी सॉरी दीदी, दीदी को दिक्कत हुई क्यों? मगर क्यों दीदी को दिक्कत क्यों? मगर दीदी कचरा उठा रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओके कचरा उठा दिया यार, ये सब कचरा करते हुए क्यों आते हैं यहाँ तक? चलो सारा कचरा उठा दिया मैंने। अभी मेरे को जाना है अपने थर्ड रूम में, जो की बनने वाला है आलीशान। भाई नॉर्मल नहीं, आलीशान बनेगा ये, ठीक है। लाओ भाई सबसे पहले ना मेरे को सीलिंग लैंप्स दे दो, ये वाली चाहिए एक, ठीक है, जो की ऑन करूंगा मैं। और यार नहीं भाई, ये ना उतनी रोशनी दे नहीं रही है, मतलब कुछ खास मजा नहीं आया। ऊपर जो पैटर्न बन रहा है वो चीज है, थोड़ा डिम लाइट रूम रहेगा तो अच्छा लगना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट आइटम। अच्छा पहले तो पेंट करना है ना इसके अंदर, पेंट ले गया सारा। चलो और पेंट नहीं, इसके अंदर लगने वाली है टाइलें। और वो कहाँ है अपना, अबे वो रोलर कहाँ गया अपना? एक सेकंड रुकना। अच्छा ये इधर शॉप के बगल में रखा है, इसको उठाओ और इसको लेके चलने का है वेयर हाउस तक, क्योंकि सारा आइटम वहां शिफ्ट होने वाला है ये। चलो इसको रखो यहाँ, और ये दो आइटम, एक दो तीन चार 15। चलो भाई सारा आइटम जमा लिया है, फटाफट से चलते हैं अपने थर्ड नंबर रूम पे और सारा पेंट करके आते हैं। लो भाई आ गए थर्ड नंबर रूम में आ गए। इसको रखो, अच्छा नहीं बाहर ही रखते हैं यार, बाहर निकाल। इसको रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब दो ये क्या है, ये है वॉलपेपर वाला, ठीक है। इस वॉलपेपर को लगाना है अपने को इसके ऊपर, और डिम लाइट में कितना डार्क लग रहा है ये, और एक ही में हो गया यार, मैंने इसके दो बॉक्सेस मंगा रखे हैं। चलो कोई बात नहीं, अब की बार ये वाला पेंट ना अंदर भी होएगा, और अंदर लाइट लगानी पड़ेगी, ठीक है यार, थोड़ी बहुत लाइट्स कम रह गई है, हो जाती है कभी कभी डिजाइनिंग में गलतियां हो जाती है ना। क्या चाहिए भाई, नहीं है रूम वगैरह नहीं है मेरे पास अभी, मेरे को इसके अंदर चलने दो, डिलीवरी में जाने दो, इक्विपमेंट्स मंगाने दो। सीलिंग लैंप्स चाहिए मुझे कुछ, ठीक है। तो एक तो बाथरूम के लिए, और सीलिंग लैंप्स ये वाली मंगाने वाला हूँ तीन। ये तीन पता है कहाँ काम आएगी, ये तीन काम आएंगी मेरे एक बाथरूम में, दो बाहर, और बीच में वो लगेगी जो मैं लगा रहा था। बाकी कस्टमर्स को मैं देख लेता हूँ थोड़ा बहुत। चलो अब अपना काम कंटिन्यू करते हैं। अभी मेरे को जो है सीलिंग्स लगानी है ना, ये सीलिंग है ना, हाँ ठीक है। अबे नहीं ये सीलिंग नहीं है, ये वॉल का कलर है। ओके सीलिंग और वॉल सेम सेम सी होने वाली है। ये देखो ये सीलिंग है, सॉरी वॉल है, और ये पूरी हो गई है। ये क्या है, ये भी वॉल है शायद, हाँ ये वॉल्स हैं। भाई वॉल्स का कलर भी सही लग रहा है, मुझे तो अच्छा लगा भाई, तुम लोग बता दो अपना कमेंट्स में। चलो सब पे लगा दिए, और थोड़ी सी कम रह गई, लाओ ये दो। ये कौन सी, ये सीलिंग है शायद, हाँ ये सीलिंग है। इसको लगाने का है मेरे को पूरे पे, थोड़ी कम पड़ गई। ये टाइलें हैं नीचे की, पूरे कमरे में यही लगने वाली है, ठीक है। और लेके आओ थोड़ी बहुत, और भाई टाइलें देखो तुम क्या लग रही है, थोड़ी सी मैच नहीं हुई, थोड़ी सी डार्क चाहिए थी टाइलें। जो इस पे पेंट कलर है ना वो इस पे नहीं है भाई, ये मार्बल लुक दे दिया, और इस पे थोड़ा सा येलोइश लुक था, मुझे येलोइश लुक चाहिए था, इसलिए तो मैंने मंगाई। धंधा काम करते हैं भाई लोग, जो दिखाते वो नहीं देते। चलो एक शॉप पे कस्टमर आ रखा है, इसको मैं सर्व करके आ जाऊं जरा। हेलो दीदी, आ गया मैं उड़ता उड़ाता। ओ तीन तीन जने आ रखे हैं, लेट्स गो। क्या बात है, टिप देके गया भाई, भाई को लेट करा मैंने फिर भी टिप देके गया, आदमी बढ़िया था। चलो 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 चलो, अनलॉक वन मोर पार्किंग स्लॉट। ओके ओके, मेरे को शॉप पार्क लॉट खोलना है एक, उसका अपग्रेड आ रखा है। जब से मैंने ये पढ़ा नहीं था, मैंने सोचा अपग्रेड कर दिया, लेकिन ठीक है। एक शॉप का जो है अपग्रेड करना है, शॉप पार्क लॉट, ठीक है। इसमें कितने का लग रहा है, 50 का ले भाई। मस्ट बी क्लीन टू अपग्रेड। अरे रुक जाओ जरा ठहर लो तुम, नहीं क्या होता है वो, जरा सा ठहर जाओ तुम, अरे नहीं क्या होता है वो, अरे नहीं मुझे नहीं पता भाई क्या होता है, रुक जाओ। इनको फेंको वहां पे दूर की साइड, लेकिन इधर डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन कहाँ है। चलो भाई सारा सामान साफ कर दिया यहाँ से, अभी मैं इसको अपग्रेड कर देता हूँ। अपग्रेड में चलो, शॉप पार्किंग लॉट खोलो, अपग्रेड करो, एक और अपग्रेड कर दूं क्या, नहीं 100 रुपए ले रहा है वो, इतना रुपया। अनलॉक द स्टाफ रूम, ओके स्टाफ रूम अनलॉक करना है मेरे को, और मेरी डिलीवरी आने वाली है, अभी डिलीवरी नहीं आई है, तो क्यों ना मैं सीलिंग लाइट आने के बाद ही काम करूं। चलो भाई एक यहाँ पे कस्टमर आ गया है, इसको बेडरूम चाहिए, अभी नहीं है मेरे पास फिलहाल, थोड़ी देर में दे दूंगा अभी। अभी यहाँ पे जो है कस्टमर्स वगैरह आ रखे हैं, इनको भी थोड़ा सा मैं एंटरटेन कर दूं। ओ भाई दीदी ने
नहीं लिया है सामान, अब ले रहे हैं भाई, अब आ रहे हैं लोग बाग सामान लेने, ज्यादा ज्यादा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो भाई इसको करो साफ सुथरा पूरे घर भर को, ठीक है इसको भी करो। चलो अभी शॉप में वापिस एक कस्टमर आ गया है, उसको बाद में देखेंगे, पहले मैं अपना ये देख लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को ये लगाना है, रुक जाओ, ये क्या है, ये सीलिंग है क्या? ओके ये वॉल है, वॉल है। देखो अभी इसके ऊपर भी देखो, इसका पेंट थोड़ा व्हाइट सा और ये येलोइश है, बताओ ये वाली चीज नीचे उल्टी कर दी, कोई बात है। चलो ये लगा दिया मैंने, अंदर भी मैं यही सेम लुक देने वाला हूँ। भाई मुझे तो प्यारा लग रहा है ऊपर का लुक, थोड़ी टाइल मेरे को ना अजीब सी व्हाइट लग रही है, ज्यादा व्हाइट लग रही है, टाइलों का देख सकते हैं थोड़ा सा, बाकी तो सब बढ़िया है। देखो और इनको मैं थोड़ा सा एंटरटेन कर देता हूँ, बाकी इन लोगों ने फिर यहाँ कचरा फैला रखा है खूब सारा। लो भाई कचरा ही बीनता रहा हूँ मैं, इतना बड़ा आदमी हो गया, स्टाफ रूम खोलना ही पड़ेगा, स्टाफ शायद ये सब साफ कर देंगे, देखते हैं स्टाफ रूम कितने का खुल रहा है। और शॉप पे कस्टमर आ जाते हैं, दो दो सेकंड में आ रहे हैं भाई, अब तो मजा आ रहा है, देखना। अरे रे रे रे, हाँ जाना है दीदी, चलो भाई। और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एक सेकंड में कहाँ घूम रहा हूँ भाई, इलेक्ट्रिसिटी तो लान दो मेरे को। ये मैंने लिया पेट्रोल, और 8 लीटर ही रह गया पेट्रोल, शिट हो गई। ई टू टर्न ऑन, चलो जनरेटर मैंने ऑन कर दिया है, अभी देखते हैं कुछ देर में लाइटें वगैरह आ जाएंगी। उन सबसे पहले मेरे को जो है पेट्रोल मंगाना पड़ेगा, डिलीवरी में चलो, फ्यूल में चलो, और मैं 68 का मंगा सकता हूँ, 65 का मंगा देता हूँ, ऑर्डर कर दिया मैंने। चलो भाई डन, अभी लाइट्स वगैरह आ चुकी है वापस से, और मेरी सीलिंग रह गई थी थोड़ी सी, है ना, तो मैं सीलिंग कर दूं, जरा दिखा दो मेरे को, सीलिंग दे दो गुरु। ओ गुरु सीलिंग कहाँ है मेरी, ये है क्या सीलिंग, ओके ये सीलिंग है। अभी ये सीलिंग तो लगी हुई है ना, यहाँ पे लेके वहां तक, और इससे इससे स्पेस 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 पे, चलो अभी इसको रखो यहाँ, और मेरा डिलीवरी आ गया है, मैं डिलीवरी लेके आता हूँ। और शॉप पे भी कस्टमर खड़े हैं भाई, ला ये दे दे मेरे को, 1 2 3 और चलता बन, चल भग जाए ऐसे जोर से, भगी हो रुक मत गई, लाओ सर लाओ, आपका ये कर देता हूँ मैं, 1 2 3 लाइट्स उठा के चलते हैं अपन यहाँ पे। और सबसे पहले तो ये लगेगा एक देखो बाथरूम में, ठीक है, और अब इसको बंद करके चालू करो, अब ये देखो अब कैसा लग रहा है यार, दो लगाए के बाथरूम में, और एक ना इसके नीचे अगर मैं लगा दूं, कैसी रोशनी कर रहा है, अब कर रहा है भाई रोशनी, देख रहे हो तुम, और नीचे भी पैटर्न आ रहा है अब, लेकिन नहीं पैटर्न नीचे अच्छा लग नहीं रहा है। एक लाइट लगाते हैं अपन यहाँ पे, और एक लाइट को निकाल के लगाते हैं अपन यहाँ पे, और ये जो तीसरी लाइट है ना इसको निकाल के अपन लगाते हैं बाथटब के, नहीं बाथटब के ऊपर नहीं, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे तो मिरर आएगा, यहाँ लगाते हैं जिससे उसको दिखेगा बढ़िया सा अपना कांच में चेहरा। दो लगानी चाहिए थी, यहाँ भी एक और वहां भी एक, बट छोड़ो। हाँ अभी सीलिंग है ना ये मेरे पास, नहीं ये वॉल है, तो वॉल यहाँ रखो, पहले तो सीलिंग लेके आओ, अंदर भी सीलिंग करने वाला हूँ इसके अंदर, ठीक है, बाथरूम में भी पूरी सीलिंग होगी, और थोड़ी सी रह गई है, लाओ सीलिंग और कहा है भाई, अबे ऐसा मत करना कि सीलिंग नहीं है, शिट हो गई भाई, शिट हो गई, सीलिंग कम पड़ गई, ओह नो, पेंट करना पड़ेगा क्या मेरे को, अबे दिक्कत वाली बात हो गई यार ये तो। ओ सीलिंग पहले की पड़ी है, लेट्स गो, बच गया मैं, बच गया, और मैंने लगा दी सीलिंग पहले की। अभी मेरे को साइड की दीवाले करनी है, और ये हो गई दीवाल, और ये हो गई यहाँ की दीवाल, लेट्स गो, बची हुई दीवाल मैं इससे कर देता हूँ इसको यहाँ तक। अब ये देखो ये जितना एरिया बचा है ना, नहीं नहीं रुको, इसको करो पूरे को इससे, और अब मैं अगला वॉल करने वाला हूँ इससे, ये देखो ये कैसी लगी यहाँ पे यहाँ तक, भाई खत्म ही हो गई पे, और है मेरे पास बहुत सारी है, कमी नहीं। इसको पूरे पे करेंगे, इसको पूरी पे करेंगे, और इसको करेंगे पूरी पे, ये फिर खत्म हो गई, कोई बात ही, अरे शिट हो गई, टाइलें कम पड़ गई मेरी, अरे अभी टाइलें निकल नहीं सकती क्या, तो इधर नहीं लगाऊंगा मैं, मम्मी रे दिक्कत हो गई, रुक जाओ शॉप पे कस्टमर आ रखा है, दीदी रुक जाओ, 4 सेकंड बच गए इनके, नहीं, कर दी बिलिंग, कर दी, लेट्स गो ऑफिस में चलते हैं, अभी ऑफिस में भी कोई आया हुआ है, बट गाइज एक दिक्कत हो चुकी है मेरे साथ, ओके एक रूम फ्री हो गया मेरा, कोई दिक्कत हुई हो ना हुई हो, रूम नंबर 1 फ्री हो गया है, चलते हैं इसके अंदर। डबल बेडरूम था, भाई ने खूब कूड़ा फैलाया इसके अंदर, ये कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भी खूब दिया होगा इस बंदे ने, ठीक है चलो पूरा रूम में हैंड टू हैंड साफ कर देता हूँ, जिससे अगले कस्टमर को मैं दे सकूंगा, लाओ। और दोनों बेड गंदे करे भाई, जब बोलते हैं ना ये लोग कि दो बेडरूम लेने वाले हैं, तो दोनों बेड गंदे करते हैं, भले जना एक रहे, और टावल एक ही गंदा करा है, इस टावल को उठाते हैं, इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं, और इन सब सामानों को रखते हैं बाहर। चलो भाई इस कूड़े को फेंको दूर, बचा एक ये सामान, इसको भी उठाओ। अभी अपना कमरा साफ है प्रॉपर, अभी मैं देख लेता हूँ मेरे बेडशीट वगैरह रखी है कि नहीं, बेडशीट रखी है, बट ये कलर अलग कैसे लग रहा है मेरे को, ब्लैंकेट नहीं, हाँ बेडशीट रखी है, एक इसको रखो यहाँ, ठीक है, बाकी वापस से धुल जाएंगे बेडशीट, तो वो दूसरी ये नई वाली बेडशीट है, ठीक है बेडशीट बैठा दिए मैंने, ब्लैंकेट्स मेरे धुल गए होंगे, इनको लेके चलता हूँ और इनको भी धोने में डालता हूँ। और मेरा सोने का टाइम आ गया है, सोना पड़ेगा मेरे को, इसमें से सामान उठाता हूँ, ठीक है, और ये सामान यहाँ रखता हूँ, बाकी ब्लैंकेट चाहिए मेरे को, तो चलाओ। और शॉप रेटिंग गिर गई है मेरी, एक जाना चला गया, बताओ कोई बात है, हाँ सर बताओ, ये आई एम वेरी क्विक, चलो सबकी बिलिंग कर दी मैंने, फटाफट चलते हैं, और मेरे को सोना है क्योंकि मेरा हो रहा है एकदम माता दर्द।
दर्द, जोर से दर्द हो रहा है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। वन बेडरूम नहीं है दीदी, अभी बाद में देखेंगे तुमको। मैं जाता हूँ सो फटाफट से, और थोड़ी सी एनर्जी रिकवर करके फटाफट से उनके पास चलता हूँ। क्या चाहिए सर आपको? नहीं मेरे पास, फटाफट से इनके पास चलो। 7 सेकंड बचे, नहीं 6 सेकंड, 5 सेकंड मैं फ्री कर दूंगा इन सबको। तो लो भाई हो गए फ्री, ये लो भाई तुम भी फ्री हो गए। ये होती है ना बात। चल भाई हो गया काम। अभी मेरे को जो है रूम सजाना था, लेकिन रूम में जो है एक गाइस दिक्कत आ चुकी है कि बैक में वो पोर्शन रह गया है जिसके अंदर मैं बताऊं क्या करने वाला हूं। देखो वहां पे वो तो लगे गई, क्या कहते हैं यहाँ पे बाथ टब तो लगे गई, तो क्यों ना इस वाले पोर्शन को यही कलर से कर दिया जाए। इतने में बाथ टब आ जाएगा ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का बाथ टब, हक दिया गाइस, हक दिया। इस मैं इन चीजों पे ब्लैक कलर का बाथ टब कैसा लगेगा, ये थोड़ी बहुत चीजें तो सोच के मंगाई, लेकिन थोड़ी बहुत में मैंने हक दिया। देखो अब मेरे को ये बताओ यहाँ ब्लैक बाथ टब क्या सही लगेगा, या तो पूरे पे यही कलर होता। बाहर का ये तो सही लग रहा है यार। फ्लोर मुझे बदलना है बस, फ्लोर मेरे को थोड़ा जचा नहीं है। फ्लोर जचाऊंगा भाई, ये वाला कमरा ना प्रॉपर लूंगा। कर्टेन भी बढ़िया है भाई, ये वाला फ्लोर एकदम प्रॉपर लूंगा मैं, खुद ही सोऊंगा साला फिर यहाँ। ओके ये कर्टेन्स वगैरह है तो सही मेरे पास, क्या कहते हैं बेडशीट वगैरह। यहाँ पे क्या कमी पड़ रही थी, इसकी पड़ रही थी ना, ये ले इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। और क्या ब्लैंकेट आ गया मेरे पास, हाँ ब्लैंकेट आ गया है, इसको बिछा दो यहाँ पे। और एक टॉयलेट पेपर रखना है मेरे को, इसको लगाओ यहाँ। और एक मेरे को चाहिए टॉयलेटरी, इसको रखते हैं यहाँ पे। एंड डन भाई, चलो सारा काम हो गया है। इसको कंबल को उठा लेते हैं, और अब जो भी दो कमरे मांगने वाला आएगा उसको मैं कमरा दे दूंगा। उससे पहले शॉप पे चलते, और 5 जने आए हुए हैं, क्या बात है, इतनी चल रही है क्या मेरी शॉप, ऐसा कैसे हो सकता है दीदी। अरे पेट में क्या देख रही हो तुम, पेट में ऐसे मत देख, पेट में क्या हुआ तुम्हारे। चलो भाई सबकी बिलिंग चल रही है बहुत भयंकर, और भाई यो कर रहा है, यो कर रही है जो भी है वो। चलो डन भाई, अभी अपनी रेटिंग्स बहुत तगड़ी बढ़ रही है, और मैं चलता हूँ। और इनने बहुत कचरा भी बहुत कर दिया यार, बट मुझे कमरा फिनिश करना है, एक अपना कमरा फिनिश करूँ। एक तो फिनिश है, ये वाला फिनिश अपना रेडी है, मतलब एक कमरा है ना, देख लूं जरा रूम्स में रेडी है ये कमरा, ये रेंटेड है। ये जो थर्ड वाला है वो चल रहा है अभी। हाँ थर्ड वाले में मुझे दिखाओ पहले, तो सब कुछ हो गया है ना, बाथरूम में भी सब कुछ हो गया है, और यहाँ पे खिड़की भी है भाई इस वाले में। अब मुझे सामान मंगाना है, सबसे पहले बेड मंगा लेते हैं, बेड आ ही रहा है, तो इस बेड को रख देते हैं यहाँ पे। और ये थोड़ा सा अंदर क्यों घुस गया, इस बेड को रखते हैं यहाँ, ठीक है। थोड़ा सा पीछे गैप है इसमें, कोई बात नहीं। ओके अब वो गैप भी चला गया, अभी सही है, ठीक है। अभी मेरे को जो है रखने का है इसके अंदर बेडशीट, ठीक है। बेडशीट मैंने इसके लिए व्हाइट ही मंगाई है, क्या ये सही लग रही, क्योंकि और कोई कलर की थी नहीं बेडशीट अच्छी सी। इसको बिछाओ बेडशीट को व्हाइट को, और इसके ऊपर जो ब्लैंकेट है ना वो सही है शायद, ब्लैंकेट को प्लेस करो, इसको डालो, इसको डालो, चलो हाँ सही लग रहा है, सही लग रहा है, दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा गंदा नहीं लग रहा है। उसके बाद मेरे पास पिलो है दो, जो कि व्हाइट कलर की है, यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद दूसरा पिलो रख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है पिलो हो गया। डोर है मेरे पास, ये वाला मेन डोर है। के बाद मेरे पास सीलिंग लैंप्स है, नहीं चाहिए ये वाली। बाथ टब है ब्लैक कलर का, जो कि बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। अरे यार इसे हटाओ, अब तो दिख भी रहा है, यहाँ लगाओ, उधर लग रहा है, छोड़ो भाई ये इतना छोटा ही लगेगा। बाकी कस्टमर आया कोई सा, देख लेते हैं इसको। कई कई चीजें हक दी भाई इस कमरे में, मुझे भी लग रहा है कई कई चीजें हक दी। अब तुम ये मत बोलना साले सारी चीज हक दी। नहीं है भाई सॉरी, एक बेडरूम नहीं है मेरे पास, टू बेडरूम है, वास कर रहा। फिर लाइट चली गई, ये तो गलती हो रही है बहुत। लाओ भाई सारा कूड़ा करकट भर लूं मैं पहले, ठीक है, फिर पेट्रोल डाल के आऊंगा जनरेटर में बाद। चलो भाई सब कुछ साफ हो गया है, एंड लेट्स गो, अभी पेट्रोल भराऊं। यार इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं आ रही, अबे आ गई है, अरे आ गई है भाई इलेक्ट्रिसिटी, फिर भी मैं जनरेटर से चला रहा था इतनी देर से। तो कोई बात है, हाँ मैडम सर आप बताइए, आपकी बिलिंग कर दूं मैं बहुत भयंकर। लो हो गई सारी बिलिंग, आप बताओ दीदी। चलो भैया मैं उस कमरे को वापस से जमाना लगता हूँ, क्योंकि लाइट वगैरह तो आई गई है, दिक्कत वाली बात है नहीं। और अरे अरे तू साले खुद से चला जाया करना, देख के कि सब सामान खाली हो गया, तो चलो पागल ही आदमी है। हाँ अभी मेरे को जो है, अरे बहुत सारा सामान लगाना है, वहीं चलो वहीं चलो, सोना है सबसे पहले तो मेरे को सुला लू। वन बेडरूम नहीं है भाई मेरे पास, टू बेडरूम चाहिए हो तो ले लो मेरे से, ठीक है। मैं जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट, देखी जाएगी बाद में जो आएगा। आज के दिन सोऊंगा बहुत तगड़ा वाला। कस्टमर आ गए हैं यार बहुत सारे, तो बहुत सारे कस्टमर आ गए। चलो आपको क्या चाहिए दीदी, वन बेडरूम नहीं है, चलो इनका पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है लगी। मेरे को है ना कुछ यहाँ पे बिगाड़नी नहीं है, शॉप की रेटिंग इतनी ज्यादा बढ़ा दूंगा ना कि बस यहाँ से इतना पैसा निकाल दूंगा मैं। देखो 2 स्टार आधा हो गया, दूसरा इतना तो अपने होटल का नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है होटल का हो जाएगा। तीसरा रूम बनते ही हो जाएगा, और तीसरा रूम मैं बना ही रहा हूँ, ठीक है। बाहर पेंट करना है यार, बाहर कौन सा पेंट करना चाहिए, ये जो है ये वाला कंटिन्यू कर दें इस पे। देखो एक सेकंड में कुछ तो कर सकता हूँ, नहीं अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकता। अभी ऑफिस पे फिर कोई आ गया है, अरे तुम 2-2 मिनट में क्यों आ जाते हो, क्या चाहिए। वन बेडरूम नहीं है, वन बेडरूम, हाँ 2 बेडरूम सेट कर रखे हैं जब मैंने। अंदर टावल वावल रखे कि नहीं रखे इसके अंदर मैंने, टावल तो एक ही रख रखा है, टावल रख देता हूँ मैं एक और। चलो टावल रख दिया है, बाकी
सब चीज रखी हुई है। हाँ, अभी इसके अंदर मेरे को जो है डोर लगा दिया, सीलिंग लैंप लगा दी, बाथ टब लगा दिया, सिंक लगानी है, सिंक ये वाली। ओ भाई सिंक जच रही है, छोटी है थोड़ी लेकिन सिंक जच रही है। ठीक है, टावल में मेरे को रखना है यहाँ पे, रखो टावल, रखो एक और टावल रखो, और टॉयलेट पे ओके टॉयलेट यहाँ लगाते हैं। टॉयलेट भी बढ़िया लग रही है, इस पर्दे के हिसाब से मैचिंग होगी। ब्लैक 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 यार, मतलब प्रॉपर चीज ब्लैक नहीं है, या तो ब्लैक दो तो पूरी ब्लैक दो, मैं थी नहीं ऐसी चीजें। टॉयलेट पेपर रख देते हैं, उसके बाद एक हीटर रखना है, हीटर यहाँ लगेगा, ऊपर लग रहा। अबे पंखा थोड़ी है, इसको यहाँ लगा, इसको हटा नहीं सकता क्या? अबे ये कौन सी जबरदस्ती की, यही लगेगा। बताओ ये कैसा हीटर लग रहा है हवा में। और कोई तो आ रखा है ऑफिस में, इसको देख लेते हैं जरा। वन बेडरूम नहीं है मेरे पास, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा दिन है मेरा, वैसे बहुत अच्छा है, तुम लोगों की वजह से और अच्छा हो जाएगा। सार्कास्टिक हो रहा था मैं अभी, ठीक है ना, सार्कास्टिक वे में बोला मैंने। हेलो, अच्छा नहीं हो जा रहा है मेरा जो है रूम। मेरे को जो पसंद चीज थी, मेरे को लगा था कि रूम मेरा चीज बनेगा, वो चीज बन नहीं रहा है। कचरा जोर से फेंको इसके अंदर, बाहर आ गया उड़ के देखना। चलो भाई चलो, अपना रूम जमाने पे ध्यान देते हैं। फालतू बात बाहर में जा गई है ना। अभी चलते हैं वापस डोर में, या डोर दो आने चाहिए थे ना, अंदर का तो डोर ही नहीं है। वाओ बहुत बढ़िया, जोरदार। चीजें मंगाओ, आधी मंगाओ, पूरी मंगा दी तो तुम्हारा सालो घट नहीं जाएगा कुछ। अभी कैसे रखना है, तो आ क्यों नहीं रहा, इतनी जगह लेता है साले, तू पागल है क्या? लेकिन क्या सही लग रहा है, मैचिंग हो गई भाई ये तो वॉल से कुछ ज्यादा। लेके इसको रखते हैं यहाँ पे। अरे इनके लिए टेबलों की भी जरूरत नहीं है, नीचे अच्छे लग रहे हैं। रूम लैंप टेबल अभी आएंगी, जब टेबल भी निकाल देंगे। रुक जा, रूम टेबल ये रही, ठीक है। टेबल ये वाली टेबल में रखने वाला हूँ यहाँ पे, और क्योंकि ऊपर टीवी लगेगी। डेस्क है अपनी ये वाली, इसको लगाते हैं अपन। कहाँ लगाई जाए भाई डेस्क? ओके डेस्क यहाँ आ जाएगी, यहाँ से। अब लग रहा है थोड़ा भरा भरा, बट इसको कुछ तो खाली खाली करना है। डेस्क लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद टेबल दो, ये टेबल थोड़ी गंदी लग रही है, इस टेबल को ना एक साइड में नॉर्मली ऐसी रख देते हैं। अब डेस्क दो, हाँ ठीक है, एक डेस्क ये जो कि कहीं नहीं आ पाएगी, यहाँ आ रही है यहाँ की जगह, तो अगर मैं यहाँ रख, चलो ये सही लग रहा है, लेकिन वो कर्टेन्स खराब हो गई। ये डेस्क बहुत बड़ी है, गंदी सी और लग रही है। इसको अभी के लिए मैं लगा देता हूँ एकदम यहाँ। चलो ये वाली वॉल भरी हुई अच्छी नहीं लग रही है, मतलब अब यहाँ पे डेस्क नहीं लगने वाली। डेस्क रख दो बाहर, शॉप पे कस्टमर आ रखे हैं, और ये गिर गई रेटिंग, मैं देख ही रहा था अभी गिरने वाली रेटिंग और गिरी गई। सर सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। चलो भाई, लेकिन इनकी मैंने सबकी बिलिंग कर दी है, बाकी बचे हुए थे जो एक जना गया बस यहाँ से, ठीक है। और बाकी लगातार बिलिंग हुई है, देख रहे हो तुम। अपने यहाँ का रेटिंग जबरदस्त बढ़ गई है। अभी चलते हैं अपने ऑफिस में और इसको देखते हैं भाई क्या चक्कर है। वन बेडरूम, फिर वन बेडरूम यार, मना कर रहा हूँ वन बेडरूम के, मत आओ तो मत आओ। हाँ, अभी मैं इसको देख रहा था कुछ, अरे भाई क्या ही चीज लग रही है। अगर मैं इसको उठा के अगर इस पे रखूं तो ज्यादा चीज लग रही है ना। हाँ ठीक, इसको रखने वाला हूँ मैं यहाँ पे, इसको रखने वाला हूँ मैं यहाँ। चलो अभी सेट, टेबल चाहिए एक, रखो यहाँ और इसको रखो यहाँ। आलीशान कमरा बना रहा हूँ, देख रहे हो तुम। हाँ, अभी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में मेरे पास कुछ चीजें, टीवी सबसे पहले, तो टीवी लगनी है यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। उसके बाद नहीं, रुक जाओ, टीवी को थोड़ा ना और ऊपर लगाते हैं। उसके बाद ना इलेक्ट्रिक में मेरे पास एक कॉफी मशीन जो कि यहाँ लगेगी। कॉफी मशीन यहाँ लगाऊं क्या? रुकना रुकना, और टेबल मंगाई थी क्या मैंने? कारपेट है, होल्डर्स हैं, ठीक है, होल्डर्स हैं। ये होल्डर मैं अगर यहाँ लगा दूं, ये थोड़ा उल्टा लगेगा ऐसे, या फिर ये होल्डर अगर यहाँ लगा दूं तो ये होल्डर पे आ जाएगी क्या? ओके होल्डर पे आ रही है, ये होल्डर पे सही लगेगी कॉफी मशीन। लेकिन नहीं, कोई टेबल और चाहिए होगी मेरे को। होल्डर है, बुक्स है, एसेसरीज है। एसेसरीज में सबसे पहले तो इसको यहाँ लगा देते हैं, बाकी कॉफी मशीन अभी के लिए यहाँ रख रहा हूँ। एक अलग टेबल मंगाऊंगा कॉफी मशीन के लिए, नहीं ये टेबल ये नॉर्मली ऐसी रखे रहने देंगे। इलेक्ट्रिसिटी में एक एयर कंडीशनर है जो कि यहाँ पे आएगा, या फिर फ्रंट में रखा है, नहीं यहाँ पे नहीं लगाएंगे, मुंह पे पड़ेगी लाइट। अरे फिर लाइट चली गई, मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर। दो कस्टमर आ रखे हैं ऑफिस में, देखते हैं इनको। चलो भाई हेलो दीदी, टू बेडरूम सेट चाहिए, ये ले लो तुम। और इसका पैसा दे रही है दीदी 400 रुपए, टेक ले लेते हैं पेमेंट को, और के बाद ये जगह साफ कर देते हैं। हाँ दीदी आ जाइए, आप आ जाइए, आप बताइए। ओ ये यो यो नहीं है, यो यो चलते बन लो। अभी इलेक्ट्रिसिटी गई हुई है तो फटाफट से चलते हैं और अपनी जेरी कैन फिल करते हैं और जनरेटर ऑन करते हैं भाई। चलो वापस से लाइट आ चुकी है, जेरी कैन दो बार और फिल करना है मेरे को, ये एक इसमें डाला, ठीक है। और लाइट आ चुकी है वापस से, तो इसको खोल देते हैं। ओके मेरे को जब भी लिखा था ना कि पावर यूटिलाइज्ड, तब लाइट आ चुकी होती है, मेरे को जनरेटर बंद करने आना होता है, ठीक है समझ गया हूं मैं। बाकी एक जना अपने यहां आया हुआ है, इसको फ्री कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जना भी आ गया है, चलो भाई आ जाओ, ये लो भाई चलो, सबको फ्री कर दिया है। अभी मैं चलता हूँ फटाफट से यहाँ पे, और शायद वो चेकआउट करने आया है क्योंकि इसका टाइम नहीं चल रहा है। नेक्स्ट बंदा भी चेकआउट करने आ गया, हेलो दीदी चेकआउट कर दो, थैंक यू आपका बहुत बहुत। चेकआउट हो गया अपना रूम नंबर 2, और इन्हें कचरा फैलाया बहुत भयंकर। यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, हर जगह पैरों के निशान है। चलो इसको उठाओ, इसको उठाओ, कचरा उठाते जाओ, सारा कचरा उठा लिया है। और अच्छा ये टावल है, ठीक है ये टावल उठाओ, और ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, इन सबको धोने डाल के आते हैं डायरेक्ट। अरे कितना सारा सामान धोने को पड़ा है पहले से यार। चलो ये एक क्या है, एक ब्लैंकेट है, दो एक बेडशीट है, ठीक है। अभी बेडशीट, बेडशीट और ब्लैंकेट डालते हैं,
और इसको कर देते हैं ऑन। अभी डबल बेडरूम वापस से खाली हो चुका है, ठीक है, तो इसको भी मैं वापस से फिनिश कर देता हूँ। मेरे को चाहिए टॉयलेट पेपर जो कि लगेगा यहाँ पे, मेरे को चाहिए टॉवल जो कि रखी जाएगी यहाँ पे, मेरे को चाहिए एक शैम्पू इधर रखो, और डन भाई। बस अब मेरे को बेडशीट्स वगैरह चाहिए जो कि मेरे पास होंगे। रुको, बेडशीट है एक तो है तो बिछाओ, और ब्लैंकेट दो है मेरे पास, एक रख दो यहाँ पे और एक ब्लैंकेट निकालो और दूसरा ब्लैंकेट यहाँ रख दो। चलो एक बेडशीट धुल जान दो, उसके बाद ये अपन किराए पे चढ़ा देंगे वापस से, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, कितने दिन का किराया लेना चाहो। चलो अब मैं जल्दी जल्दी बिलिंग कर देता हूँ, बहुत सारे जने आ रखे हैं। और भाई अभी देख रहे हो तुम, सारी कमाई यहीं से हो रही है, मतलब हल्की फुल्की कमाई यहाँ से हो रही है, क्योंकि मैं ये भूल गया था भाई, दो तीन बार मैंने कमरे बेच दिए। चलो भाई डन हो गया ये काम। और पेट्रोल वगैरह मेरे पास रिजर्व में कितना पड़ा है इस टाइम, 33 पड़ा है भाई, पेट्रोल भी मंगाना है। और इनका ये कचरा बहुत भयंकर वाला, ले क्यों नहीं रही है क्या पता भाई। अभी मेरे को स्टाफ रूम अनलॉक करना है, 600 रुपए मेरे पास हो चुके हैं, क्या मैं स्टाफ रूम अनलॉक कर सकता हूँ भाई? मेरे थोड़ा तो मदद कराएंगे वो लोग। स्टाफ रूम है 500 रुपए का, लेट्स गो, अपग्रेड कर दिया मैंने। और अभी क्या होगा भाई, एम्प्लॉइज मैनेज एम्प्लॉई असिस्ट, ओके भाई मेरे को एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे, अपने आप नहीं आएंगे। बाकी उसके बाद जो है एक एक एम्प्लॉय को अलग से इंडिविजुअली मैं असिस्ट कर सकता हूँ। और ये क्या बात होती है भाई, अगर उसकी $300 की कमाई पहुंच जाएगी तो वो काम करना बंद कर देगा। बाकी स्टॉकर्स भी रख सकता हूँ, स्टॉकर वेयर हाउस अनलोडेड डिलीवरीज हाउसकीपर्स रख सकता हूँ, ठीक है भाई। ओके अपग्रेड करने का भी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अच्छा अपग्रेड अभी थोड़ी करना है, ठीक है ठीक। चलो भाई समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, एकदम अच्छे से समझ गया हूँ। शॉप में चलता हूँ, पैसा खूब खर्च करा दिया भाई तुम लोगों ने मेरा। लो अब मेरे को यहाँ पे ये बिलिंग करो, अब मुझे सोना पड़ेगा थोड़ा बहुत, मैं थोड़ा बहुत साफ कर देता हूँ। चलो भाई अगेन गुड नाइट गाइज, थोड़ी देर के लिए सोते हैं, उतने कस्टमर्स मेरे को परेशान कर ही देंगे। आ गया भाई कस्टमर, आ गए दो कस्टमर, तीन कस्टमर, पांच कस्टमर, लेट्स गो चलते हैं फटाफट से। इतने में तो मैं पिघल गया, पांच पांच कस्टमर आ रखे हैं, देख रहे हो तो, देख रहे हैं इनसे कितने रुपए होते हैं टोटल। देखो 2 रुपए मिले इससे, ठीक है, इससे मेरे को मिले 5 रुपए, टोटल 7 रुपए हो गए। इससे मेरे को मिले 6 रुपए, ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए 4, 17 रुपए हो गए शायद भाई। देखो बताओ टोटल 17 + 3 रुपए मिले, 63 रुपए मिले मेरे को। दो जने ऑफिस में आ रखे हैं, अभी रुक जा, बेडशीट जो है हुई नहीं है पूरी, नहीं एक बेडरूम तो है ही नहीं मेरे पास, चल जाएगा दूसरा आ जा। अरे आना भाई, बता वन बेडरूम, एक काम कर होल्ड ऑन कर, एक बेडरूम दे देता हूँ मैं जो है। वन बेडरूम में दिक्कत ज्यादा कुछ है नहीं मेरे को, इसको रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ रखा हुआ है, ये इस्तेमाल कर लेगी सारी चीजें। सिंगल रूम और डबल रूम में ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतनी देर में तो ये ले लेगी और पैसा भी आ जाएगा, ठीक है, टेक दिस पेमेंट। अभी मुझे ये कमरा सजाना भाई, इसके अंदर आते ही अलग ही लुक आता है यार, आते ही अलग लुक आता है, कुछ तो चीज है, कुछ तो बात। कारपेट रखनी है मेरे को, एक कारपेट यहाँ रखूंगा, अच्छा कारपेट ही एक मंगा, ये एक ही रख। इलेक्ट्रिसिटी में इसको कहाँ लगाया जाए, ओके इसको शायद पीछे लगाना चाहिए मेरे को, है ना, ये इस रूम का है, ये ऐसे लगाया जाएगा, ठीक है, ये यहाँ लगा दूं मैं तो कैसा रहेगा। आउटडोर यूनिट मैंने बिल्कुल पीछे लगा दी है, और एसी मैंने यहाँ लगाया था, गलती से लग गया था, इसको लगाना था यहाँ, ठीक है। अभी एसी और इसके लिए मेरे को प्लग्स मंगाने पड़ेंगे, उससे पहले मैं देख लेता हूँ बुक्स है, होल्डर है, होल्डर के अंदर मुझे ना ये जो है अलग टाइप होल्डर था ना, वो कहाँ रख दिया मैंने। अभी बुक होल्डर एसेसरीज, एक होल्डर मंगाया था यार मैंने अलग तरीके का, ओके बुक सेल्फ भी मंगाई थी, ठीक है ठीक है ठीक है। बुक सेल्फ को मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे, यहाँ लगाऊंगा, इसको हटाऊंगा यहाँ से, ठीक है, फिलहाल इसको यहाँ लगाओ इसमें, क्योंकि यहाँ बैठ के बुक्स पढ़ सकेगा भाई जो भी इंसान है बढ़िया तरीके से। और पहले चलते हैं शॉप पे, यहाँ का सामान वामान जो है बेचते हैं थोड़ा बहुत, और यहाँ भी सामान मंगाने हैं यार मेरे को, यहाँ के सामान भी खत्म हो गए सारे। चलो भाई मैं वापस रूम में आके हूँ, और ये शायद मैंने उल्टी रख दी है, तो इसको वापस से सीधा लगा देता हूँ मैं। चलो अभी ये सीधा है, और अब इसके अंदर मुझे बुक्स रखनी है थोड़ी बहुत, ठीक है, तो बुक्स निकालता हूँ सारी एक, और ये कैसे आएगी यहाँ पे, अभी आएंगी कैसे यहाँ पे, ओके इसे सीधी रखता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ओ अलग अलग साइज की है भाई, और 6 यहाँ आने की जगह मैं रखता हूँ इनको अलग लोकेशन पे। अरे अब मैं, अरे अच्छा ये चढ़ के रखनी पड़ती है मेरे को, वो एक वहाँ पे रखी है ना तुम्हें पता है, मेरे वेयर हाउस में रखी है चीजें। चलो अभी के लिए मैं यहीं जमा देता हूँ, उसके बाद मैं एक और बुक बची है इसको यहाँ रख देता हूँ। चलो भाई लेट्स गो फटाफट फटाफट, चलो कोई तो ऑफिस में आया हुआ है, ऑफिस वाले बंदे क्या कह रहा है तू, नहीं है रुक जा। उसके बाद यहाँ पे लोग बगा रखे हैं, हेलो दीदी, हेलो सर, अरे मेरे को बोल के गई तुम 90th ईयर तक रुकोगे, पता नहीं किस चीज के लिए। चलो भाई हो गया, सारी बिलिंग हो गई है, इसको कूड़े में डाल देता हूँ, और क्या फेंका इन लोगों ने, कूड़ा कुछ नहीं फेंका। अभी अपना पूरा फिनिश हो गया है, कुछ रह तो नहीं गया, अच्छा टॉयलेट पेपर लगाना रह गया, रुक जाओ वो कहाँ 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 होल्डर्स कहाँ है, होल्डर दो मेरे को, एक तो ये वाला, ठीक है ये वाला होल्डर यहाँ लगाऊंगा, ऐसे लगेगा क्या होल्डर, अबे ऐसे कैसे निकलेगा ये टॉयलेट पेपर, 0 डिग्री पे रोटेट हो रखा है ये, ओके ठीक है ऐसे लगेगा, जैसे भी लगे लग जाए मेरे को क्या। अभी मेरे को जो है दूसरा होल्डर चाहिए, टॉवल रैक, ठीक है टॉवल रैक कैसे लगेगी, ओके नाइस, लेकिन एक ही टांग फिट कर दी मैंने, फिट कर दी ना जोर से, टॉवल में यहाँ टांग देता हूँ, बची हुई टॉवल में रखूंगा, एक रैक मंगाकर ये एक्स्ट्रा है ना, इधर दे उधर काम नहीं आएगी, इसको रखूंगा यहाँ पे, ठीक है, और इस टॉवल को रख दूंगा यहाँ, एक टॉवल को रखता हूँ, इसको रखता हूँ ऐसे, ठीक है इसको लो, इसको टॉवल को रखो एक को यहाँ पे, टेढ़ा तो नहीं है ना, बिल्कुल टेढ़ा नहीं है। और एक मेरे को चाहिए
सोप जो कि यहाँ भी रख सकता हूँ और यहाँ आ जाएगा क्या? नहीं यार यहाँ गंदा लगेगा, यहाँ रख रहा हूँ मैं सोप को। डन भाई, काम हो गया है। अब चलता हूँ मैं शॉप पे अपने। लोग बाग आ रखे, इनकी बिलिंग वगैरह कर दूं। चलो भाई सामान उठा लेता हूँ, कचरा वगैरह साथ के साथ। और अब मैं जा रहा हूँ सोने, मेरे को आ रही बहुत भयंकर वाली नींद। अरे फिर कौन आ गया? अब बावड़ी हो गया, एक साथ आ जाए करो। चलो भाई गुड नाइट गाइज। बहुत जोर से नींद आ रही है, सर फट रहा है एकदम जोर से, और शॉप पे लोग भगाने लग गए। अगर ये पांच होते हैं तो ठीक है, वरना माइनस कर देगा यार, कर दे माइनस। भाड़ में जा मुझे सोने। ऑफिस में कोई आ रखा है, शॉप पे कोई आ गया है, दो जने हो गए शॉप पे। लो भाई अब उठना ही पड़ेगा। हाँ भाई क्या कह रही है तू? नहीं है। अब शॉप वगैरह बंद करके सोऊं यार, ढंग से सोऊंगा मैं, जिससे कि काम बन जाएगा मेरा। प्रॉपर एनर्जी तो वापस आएगी, मेरी अंदर की एनर्जी खत्म हो गई। हायर योर फर्स्ट एम्प्लॉय, नेक्स्ट मिशन है भाई, हायर योर नेक्स्ट एम्प्लॉय। भाई इसी के पैसे जोड़ रहा हूँ मैं तो, इतनी देर हो गई देख रहे हो तुम। अभी मैं मैनेजमेंट में जाके प्राइसिंग डिसाइड कर सकता हूँ। ओके ये बाइंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस सस्ते में बेच रहा हूँ। अबे ये तो मुझे किसी ने नहीं बताया था, तुम्हें लगता है मैं सस्ते में बेचूंगा इसे? 2.80 अभी भी बाइंग चांसेस ज्यादा है। अरे यार इनसे मैं प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ, लॉस ले रहा हूँ। वाह वाह, इसको 2.80 पे लगाओ ठीक है। इसकी अभी यार इन सबकी प्राइस सेट करनी पड़ेगी। सॉफ्ट ड्रिंक अलग है, पेस्ट्रीज, अल्कोहल, सिगरेट, कार प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट, स्टोरेज इक्विपमेंट्स, ओके, स्टाफ यू हैव नो स्टाफ, ऑटो पेमेंट डेली, हाउसकीपिंग, सैलरीज वगैरह कहाँ से रखना, कहाँ से लेकिन स्टाफ अपग्रेड, कार डीलर। ओके मैं ट्रक वगैरह खरीद सकता हूँ, फिर क्या होगा भाई इसका? मैं स्टाफ, अच्छा हायरिंग, ये रहा भाई ये रहा। अच्छा नीमा लेकिन हायरिंग असिस्ट किस चीज के लिए हायर करूंगा मैं, ये तो बताओ मेरे को, ये होंगे किस चीज के लिए असिस्टमेंट्स? और पैसा कितना लेंगे ये? स्टॉक प्रोडक्ट्स इन टारगेटेड सेल्फ ओनली, नहीं ठीक है। अच्छा ये सब चीजें जमाएंगे भी, सही है भाई हायर कर लेता हूँ, बढ़िया है। किसको हायर करूंगा, कौन सा बढ़िया दिख रहा है भाई? लुकिंग वाइज हायर कर लेते हैं, लुकिंग वाइज दीदी को हायर कर लेंगे स्टार्टिंग वाली। नीमा हायर कर लूंगा, नीमा ठीक है भाई, मैं नीमा को हायर कर रहा हूँ। और पैसा कितना कटा मेरे को ये नहीं पता, रुक जाओ। प्राइसिंग एक सेकंड, स्टाफ में चलो, एम्प्लॉय है, सैलरी 00, रेस्टिंग, हाउसकीपिंग, क्लीनिंग, वेयर हाउस, कैश रजिस्टर, गैस स्टेशन। भाई इसको गैस स्टेशन पे बैठा सकते हैं क्या, कहते हो? पेट्रोल का पैसा आता रहेगा। अनस्टक और मैनेज, नो असिस्टमेंट, अनस्टक ठीक है। पेमेंट इसकी भर्ती कैसे जा रही है भाई, क्या हो रहा है? अच्छा ये भर्ती, एक सेकंड, अरे भाई ये पैसा डायरेक्ट लेने लगेगी। अरे भाई क्रिमिनल्स एंड थीव्स आ सकते हैं मेरे यहाँ पे, और ये मेरे को पुलिस वाला बताने आया शायद। प्रोटेक्ट योर एंड योर कस्टमर्स, ओह भाई शिट हो गई, यूजिंग गन। अब मुझे पता कैसे पड़ेगा कि ये वो गंदा, अच्छा ये इस पे छपा हुआ है ठीक है। अबे पुलिस वाला आया है रहने मेरे यहाँ, कैसे मना कर सकता हूँ इसको मैं? होल्ड ऑन कर भाई तू 2 मिनट, तेरे को मैं वो वाला कमरा दे दूंगा, ये वाला। इसमें सारी चीजें लगा तो दी ना मैंने, मतलब एक सेकंड मैं रूम में चेक खुद ही कर लेता हूँ, इसके अंदर जाके वो रूम रेडी है कि नहीं। रूम्स में चलता हूँ, नॉट रेडी, क्या दिक्कत है इसके अंदर? ओके एयर कंडीशनर नहीं है, प्लग टीवी प्लग नहीं है, ये दिक्कत वाली बात तो है। प्लग्स गए कहाँ मेरे सारे? अरे वो चला गया भाई, पुलिस वाला गुस्सा होके चला गया। प्लग मंगाने पड़ेंगे मेरे को 2-4। चलो प्लग मंगाता हूँ और फ्यूल मंगाता हूँ, और फिर उसको भाई काम पे लगाता हूँ, क्योंकि वो काम पे लगते ही पैसे लेना चालू कर देगी, तो वो भी दिक्कत वाली बात है। मैं चलता हूँ सबसे पहले डिलीवरी में, फ्यूल में, और 300 रुपए का मैं फ्यूल ऑर्डर कर देता हूँ ठीक है। बाकी मुझे मंगाना है इक्विपमेंट्स में से एक तो देखो डोर ठीक है। डोर शायद मैं खुला भी रख सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर है ना वो दिक्कत बता नहीं रही, डोर वाली दिक्कत आ नहीं रही है। देखो एक तो दिक्कत आ रही है प्लग की, बस दो दिक्कत है और एक मिसिंग। ओके अच्छा डोर मिसिंग है। डिलीवरी में चलते हैं, इक्विपमेंट्स में चलते हैं, डोर मंगाना पड़ेगा मेरे को एक तो डोर मैं लगाने वाला हूँ इसके अंदर कुछ बढ़िया सा, ये वाला लगाते हैं ठीक है। और मुझे मंगाने थे वो, अरे वो किसके अंदर आएंगे? शॉप प्रोडक्ट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वेटीज, ये मेंट्स में, ये प्लग्स किस में आता है भाई? इलेक्ट्रिक वाले में आता होगा शायद, रुक जाओ, नहीं इसमें है ही नहीं प्लग। बाकी डेकोरेशन का आइटम अभी लगाया नहीं उसके अंदर, वो लगा सकते हैं अपन अभी, है ना। फ्रेम्स है, पेंटिंग भाई क्या प्यारी प्यारी है। ओके अपने को ये आउटलेट्स मिल गए, एक के अंदर 8 आएंगे, लेट्स गो, ये ऑर्डर मैं कर सकता हूँ। डोर चाहिए था, ये चाहिए था, और कुछ शॉप के प्रोडक्ट्स मंगा दूं क्या? अच्छा था तो पैसे ही नहीं है, लग जा इसी को ऑर्डर कर देता हूँ मैं। कांट फिट टू द प्रोडक्ट, अरे यार 80 रुपए लेगा अब ये डोर। अरे डोर तो मंगाना जरूरी है लेकिन, हेलो होल्ड ऑन, शॉप पे कस्टमर आ रखे हैं, थोड़े बहुत इनको बेच देता हूँ सामान, पैसा तो देंगे। चलो भाई कितने रुपए हो गए? 91 हो गए, लेट्स गो, हो गया काम, हो गया एक जने से काम हो गया। इसको मैं कर देता हूँ मना, सॉरी ब्रो नहीं है मेरे पास कमरा ठीक है। अभी चलते हैं डिलीवरी में, इसको करते हैं ऑर्डर, लेट्स गो। सामान ऑर्डर हो चुका है, अभी ये सब चीजें साफ करता हूँ मैं ठीक है। हाँ अभी देखने दो, अभी और क्या दिक्कत है? बस यही चीजें दिक्कत थी, 2-4 प्लग्स वगैरह मैंने बहुत सारे मंगा दिए जो कि आ जाएंगे। और अब भाई बात ऐसी हुई है कि थीफ्स वगैरह आ सके, तो थीफ्स वगैरह मैं पता कैसे लगाऊंगा कि आ गए? और ये रहा ये भाई, ये रेस्टिंग फेज में तो पैसा नहीं ले रही है, और इसके लिए कितना बड़ा रूम है ये भाई, हमारे नहीं इतना बड़े रूम। अभी मुझे फ्यूल वाला ऑन कर देना चाहिए, क्या कहते हो? डिलीवरी में चलो, रूम्स में चलो, नहीं देखो मैं गैस स्टेशन ऑन कर रहा हूँ, इस टाइम मेरा फुल है गैस स्टेशन, और मैं जाके बाद में मैनेजमेंट में ये जो है इसको काम पे लगा सकता हूँ ठीक है। अभी रेस्टिंग फेज पे रखते हैं, जैसे 2-4 जने फ्यूल पे, अरे आ गए यार
चार कस्टमर्स आ गए फ्यूल। ले भाई मैनेजमेंट में मैं स्टाफ को भेज देता हूँ गैस स्टेशन पे, ठीक है, और शायद ये भर रही होगी वहाँ पे। अब मैं चलता हूँ शॉप के अंदर और एक बार मेरे को वो भी देख के आना फ्यूल भर रही है कि नहीं भर रही। ओ फ्यूल वाली बन गई भाई, सही है, मेरे पास पैसा आता रहेगा। नाइस वाली बात हो गई, ये तो नाइस वाली बात। चलो भाई रूम्स रेंटेड। अच्छा अभी कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ गए अपने पास। और भाई जल्दी जल्दी भर रही है, 27 रुपए इकट्ठे कर दिए इसने। रुक जाओ देखने तो मेरे को ये कितनी जल्दी भर रही है। और यार यहाँ पे जब कोई नहीं है तब तो टाइम पास कर रही है ना ये। एक सेकंड भागो, जोर से भागो, साले को रोक। ये काम इसका, ये काम पे लगी हुई है ना तो इसका पैसा बढ़ता रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। मैनेजमेंट में चलो, स्टाफ में चलो, तो रेस्टिंग फेज में डाल। भाई जितने पैसे इसमें से कमाए उसमें से तो 8 रुपए ये खुद ले लेगी। देखो बाकी इसको अपन ऑटो पेमेंट डेली पे सेट कर सकते हैं। और ये रही सैलरीज। अच्छा अपन गैस स्टेशन का बंदा बनाएंगे तो 6.5 लेगी। कैशियर, कैश रजिस्टर बनाएंगे, ओके सबके अलग अलग है। और हाउस कीपिंग के 8 रुपए भाई बहुत ज्यादा लेगी हाउस कीपिंग के। ठीक है अभी फ्यूल पे एक जना आ गया है तो मैनेजमेंट में जाके स्टाफ को अपन बना देते हैं गैस स्टेशन वाला। ठीक है भाई शॉप पे भी एक जना आ रखा है। भाई मैं तो यूं कह रहा हूँ फ्यूल भरते ही ना इसे कर दो वापस रेस्टिंग फेज पे, जिससे ज्यादा पैसा ही नहीं ले। चलो जैसी 2-4 गाड़ियां भर जाएंगी ना यहाँ पे तब मैं इसको ऑन करा करूंगा, जब तक इसे रेस्टिंग फेज में रखेंगे, क्योंकि अभी इतना फिलहाल इतना पैसा नहीं है। देखो सीधी सी बात ये है, इसने कितना पैसा कमाया, 13 रुपए कमाया और इसमें से आधे रुपए खुद रख लेगी। चलो भाई बाकी मेरी डिलीवरी 18 बजे तक आ जाएगी, अभी 16 बज रहे मैं सो जाता हूँ। शॉप पे कस्टमर्स वगैरह आ गए और 18 बज गए भाई, लेट्स गो। थोड़ा सा और सोना है मेरे को। अभी शॉप पे कस्टमर्स आ रखे हैं, फ्यूल वाले भी आ रखे हैं। इसको एक दिन के लिए परमानेंट खुला छोड़ दूं क्या भाई? रेस्टिंग फेस पे नहीं रखता हूँ, देखते हैं कितने रुपए ले लेगी। चलो फ्यूल मैंने, इन लोगों का मैंने सारा काम कर दिया है। अभी फ्यूल वाले पे एक ही जना रखा हुआ है, मतलब फ्यूल वाले पे एक ही जना रुका हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं चलता हूँ फटाफट से और मेरा जो डिलीवरी आ गई होगी, हाँ डिलीवरी दे दो भैया, डिलीवरी दे दो, इसके चक्कर से बहुत दिक्कत आ रही थी। चलो अब तुम चलते बनो, ठीक है। आ गया भाई एक नया कस्टमर आ गया, इसको दे दूंगा ये वाला रूम। अभी बस 2 मिनट रुको, एक तो मुझे लगाने का डोर, अरे कौन सा कमरा था ये, इसमें लगाना है मेरे को डोर। और ये प्लग्स हैं, इसको खोलो, ठीक है, और एक प्लग दो लाओ। इस प्लग को मुझे लगाने का है। अच्छा यार पास पास में दो होते तो लगा दे सकते थे, ये इस काम का है, ठीक है। इसको लगाओ इसके अंदर, पे सामने वायर आ गई है तो इसको जरा ऊपर की साइड लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको लगाओ इसमें और दूसरा उठाओ, क्योंकि भाई ये बाद में मैं निकाल भी सकता हूँ, ये ने कहीं और लगा लेंगे, मतलब ये जो डबल वाले ना इनको कहीं और लगा लेंगे, यहाँ सिंगल सिंगल वाले लगा लेंगे। चलो इसको लगाओ इसके अंदर, ये हो गए प्लग्ड और सारा काम हो गया है शायद। भाई काश ही डबल रूम ले रही हो, नहीं ले रही भाई, वेट अ मिनट, मैं जरा देख लूं मेरा जो है रूम वगैरह सब सही हो गया ना ये वाला। ओके ये रेडी है रूम नंबर 3 और इसका टोटल एक्सपेक्टेड रेवेन्यू 118 है भाई, देख रहे हो तुम। और बाकियों के ज्यादा है, ऐसा क्यों, इसका कम क्यों है, क्या पता भाई इसका कम क्यों है। इसके अंदर अभी भी कुछ तो नो आउटडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट क्यों नहीं है भाई उसकी। फ्यूल, अरे फ्यूल की रेटिंग गिर रही है, मैं रुक जाओ एक सेकंड, मेरे को स्टाफ को ना परमानेंट काम पे रखना है गैस स्टेशन। चल अब तू पैसा लेती रहे, देखी जाएगी बाद में। और आउटडोर यूनिट क्यों नहीं है उसकी, ये रही आउटडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट लगानी कहाँ है, यहाँ लगेगी क्या, अब लगा दी शायद, अब कनेक्टेड है या उसकी आउटडोर यूनिट। रूम्स में चलो, इसमें चलो, और अभी भी कनेक्ट एयर कंडीशनर। भाई ये आउटडोर यूनिट लगेगी कहाँ ये तो बताओ मेरे। अच्छा अरे गलत जगह लगा रखी ना, इसको यहाँ लगाओ। अब देख अभी भी नहीं लगी हुई आउटडोर यूनिट, ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ लगानी है इस आउटडोर यूनिट, अंदर तो लगने से रही, क्या पता भाई ये आउटडोर यूनिट लगती कहाँ है, ऊपर लगा दी तब भी नहीं मानेगा शायद। अरे वो कस्टमर चली गई भाई मेरी, आउटडोर यूनिट नहीं लगने आ रही है भाई, इसको पता नहीं कहाँ लगाते हैं। अच्छी खासी कस्टमर थी, अच्छा जाने वाली, रुक जाओ, नहीं टेक दिस रूम, एक सेकंड, वेट अ मिनट, रूम 3 है, रूम 3 नहीं, अरे दीदी रुको ना, वेट अ मिनट, रूम 4 भी तो है, हाँ रूम 3 की रखता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लो दीदी तुम टेक दिस रूम, ठीक है ले लेता हूँ मैं पेमेंट। ओके 518 रुपए कर रही है पेमेंट ये, मेरे पास आ गए। चलो भाई थोड़ा बहुत कचरा वगैरह साफ करते हैं। फ्यूल टैंक पे एक जना रुका हुआ है और कस्टमर्स 5 थे, एक चला गया है शायद अभी, रुको। ये लो भाई शॉप पे भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं भाई, बस वो स्टाफ कितना रुपए ले रहा है, स्टाफ बहुत ज्यादा रुपए लेगा तो मेरे को दिक्कत आएगी थोड़ी बाद में। और कुछ नहीं है, ये देखो अभी फ्री बैठी और 114 रुपए इसके पास यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ठीक है चलो कोई बात। अभी मैनेजमेंट में चलते हैं और स्टाफ को मैं रोक देता हूँ काम से, रेस्टिंग फेस पे डाल देता हूँ। अपग्रेड्स देख सकते हैं अब, या फिर एक काम कर सकते हैं डिलीवरी में चलते हैं और ये कुछ सामान मंगवा देते हैं, क्योंकि ना ये सामान बहुत बिक रहा है और इनकी प्राइस भी अब मैं खुद सेट कर सकता हूँ, 700 रुपए मेरे पास है। एक तो ये काम कर सकता हूँ, बाकी दूसरा काम ये है कि मैं दूसरा रूम भी रेडी कर दूं बस रहने लायक, सिर्फ और सिर्फ रहने लायक, जिसके लिए मेरे को टोटल रुपीज लगने वाले हैं। देखो मैं बता दूं कितने लगेंगे, एक तो इसमें से ही ले लो, बेडशीट चाहिए एक, ब्लैंकेट चाहिए एक, ठीक है प्लो चाहिए एक, ये तो हो गई बेसिक नीड्स। डोर चाहिए 2, एक ये सीलिंग लैंप चाहिए 2, बाथटब चाहिए सिंगल, एक चाहिए सिंक अपने को, और ये मतलब मैं स्टैंडर्ड वाले टाइप के ले रहा हूँ जो कि ज्यादा गंदे मतलब ज्यादा खराब नहीं लगे, और टॉवल मेरे पास पड़े होंगे पहले के। टॉयलेट चाहिए एक, उसके बाद टॉयलेट पेपर नहीं चाहिए, हीटर चाहिए एक अपने को, ठीक है, उसके बाद कर्टेन ये वाली मंगा लेते हैं जो हर बार मंगाते हैं, सीट में नहीं चाहिए मेरे को, ज्यादा जरूरत है नहीं।
रूम लैंप नहीं चाहिए, टेबल नहीं चाहिए, डेस्क नहीं चाहिए, ड्रॉअर नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं चाहिए, कारपेट दे दो, एक कारपेट रखा हुआ है मेरे पास, होल्डर एक चाहिए, ये एक चाहिए, ये ठीक है, बुक सेल्फ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो ये आइटम आ रहा है 668 का, ठीक है, एक ये मंगा लेता हूँ और एक मिरर मंगा लेता हूँ, 700 का हो गया। इसको करते हैं बिग बैन में, बिग बैन में भी नहीं आ रहा, अरे ट्रक मंगाना पड़ेगा, और इसके लिए रुपए ले रहा है, ठीक है सही ले रहा है, ऑर्डर कर देते हैं। और ये मेरा अगला कमरा भी रेडी होने वाला है, देखो बस तुम। और हेलो दीदी, चेकआउट के लिए आ गई दीदी, क्या बात है, थैंक यू दीदी। फ्यूल भरो भाई, तुम फ्यूल भरो, स्टाफ कंटिन्यू करो तुम अपना काम, ठीक है। बाकी शॉप पे एक जना आ रखा है, इसको मैं फ्री करता हूँ, उसके बाद में जो है एक कमरा फ्री हो गया, उसको साफ कर देते हैं। चलो कमरा कौन सा फ्री हुआ है, ये फ्री नहीं हुआ, ये वाला फ्री हो गया कमरा, लेट्स गो। बट गंदा कितना कर दिया इन लोगों ने, चलो सिंगल बेडरूम वाले गंदा हुआ था तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ये उठा लेते हैं, एक यहाँ रखो, और कचरा वचरा साफ करता हूँ थोड़ा बहुत मैं। चलो सारा कचरा साफ हो गया ना, एक कचरा पड़ा है यहाँ पे, नहीं पड़ा, चलो एक ये उठाना है, एक ये उठाना है और एक ये उठाना है, पूरा कमरा साफ है। यहाँ पे मेरे को एक टॉयलेट पेपर रखना होगा, इसमें रखो, और एक ये शैम्पू रखना है। चलो भाई सारा काम डन है इसके अंदर, अच्छा डन कहाँ है भाई, अरे ये भी तो जमाना है, इसके अंदर रुक जाओ। बेडशीट है क्या मेरे पास, बेडशीट ब्लैंकेट कुछ क्यों नहीं है, ए जल्दी चलो जल्दी चलो, बेडशीट ब्लैंकेट और लेके आनी पड़ेगी मेरे। लो भाई बेडशीट देखना, सारी बेडशीट ब्लैंकेट यहाँ रखी हुई है और धुली हुई भी नहीं है सारी सारी। इसे उठाओ इसे उठाओ इसे उठाओ, इसमें लगाओ इसमें लगाओ इसमें लगाओ, इसको चलाओ। चलो और भाई थीप्स वगैरह अभी तक तो नहीं आए, क्या पता कुछ सामान चोरी हो रहा हो, तो भी नहीं पता है मेरे को, तो पता कैसे पड़ेगा चोर आया है। ओके कस्टमर वापस आने लग गया है, इसको आने से पहले मेरे को ये रेंट पे देना है। एक ब्लैंकेट चाहिए बस, मतलब बेडशीट चाहिए, ओके बेडशीट तो दो आ गई है मेरे पास, क्या ब्लैंकेट है, ओके ब्लैंकेट नहीं है, बेडशीट एक और है, इसको बिछा देता हूँ इस पे। ये वन बेडरूम तो सेट तैयार हो गया है, टू बेडरूम मांग रही होगी तो मैं अभी कर दूंगा थोड़ी देर में। ओके वन बेडरूम ही मांग रही है, टेक दिस रूम, तेरे को दे देता हूँ मैं, ले भाई चल, तू भी क्या याद रखेगी, ठीक है। उसको दे दिया मैंने वो कमरा, अभी फिलहाल मेरे एक दो तीन कमरे शायद भरे हुए हैं, हाँ तीन कमरे भर गए, और कोई चोर वोर तो नहीं आया ना यार, ये देख लूं मैं, अभी तक तो नहीं आ रहा है कोई भी चोर। ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ सोने, देखी जाएगी जो होगा। सब जगह डोर लगाने पड़ेंगे, पहले तो बहुत सारे डोर मंगाने मेरे को, जिससे चोर वोर आके चोरी नहीं कर सकते। चलो भाई शॉप पे दो चार जने आ रखे हैं, और फ्यूल पे कोई नहीं आ रखा है, मैनेजमेंट में चलते हैं, स्टाफ में चलते हैं, और भाई इसके देखना कितने रुपए हो गए, 70 रुपए हो गए। अभी इसको खाली कर देते हैं, ठीक है, और इनको भी कर देते हैं खाली। चलो भाई सबका सामान हो गया है, सबको सामान दे दिया है, अभी सामान का इंतजार था ना भाई, मेरा वेयर हाउस पे सामान आ गया है, लेट्स गो। अभी अपना नेक्स्ट कमरा बनने वाला है, देख रहे हो तुम, चलो इसको फेंको। और अभी भाई अपना एक बड़ा ट्रक आया है, इसको खोलो इसको खोलो, और ये भाई एक ही बार में ना सारा सामान बन जाएगा इससे, मतलब देखना इससे एक ही बार में मेरा नेक्स्ट कमरा तैयार हो जाएगा। बट एक सेकंड, मैंने एक अकल तो लगा ही नहीं, उसके अंदर के लिए पेंट कहां से आएगा, पेंट तो मैंने ऑर्डर ही नहीं करा, ये वापस शिट कर दी ना। लेकिन भाई बचा कुछ आइटम जो मेरे पास पड़ा है ना, उससे वो कमरा भी तैयार हो सकता है। बाकी ये सामान मिल गया मेरे को, यहाँ रखो इसको, यहाँ रखो इसको, यहाँ रखो, बचा हुआ कूड़ा करकट इसमें डाल। और ये कौन सी डिलीवरी आ रही है नेक्स्ट, अबे ये कौन आ रहा है भाई, रुक जाओ अरे यार उसने डरा लग दिया है मेरे को, पता नहीं कौन था वो जिसने मेरे को वो लेटर भेजा कि तुम्हारे यहाँ पे चोरी हो सकती है। मैं डरा हुआ हूँ भाई, मौत से किसको डर नहीं, और उसने बोला था वेयर हाउस में से भी चोरी हो सकती है। ऐसे मत करो यार, सबसे पहले ना वेयर हाउस में मैं डोर लगा देता हूँ, वेयर हाउस में डोर क्यों नहीं लग रहा, ये क्या बात है। और रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फ्यूल टैंक पे लोग बाग आ रखे हैं फ्यूल भरवाने, इसको मैं मैनेजर को जो है बना देता हूँ, गैस स्टेशन वाला। चलो डन, जल्दी जल्दी भर दे भाई, धीरे धीरे भरती है भाई, अभी वो चला जाएगा, उसका तो इतना टाइम है ही नहीं, वो प्रॉपर भरती है लेकिन यार देख रहे हो, तो वो जाएगा वो नेक्स्ट आएगा। चलो ये भी ठीक है, चलने दो कंटिन्यू करो। अभी चलते हैं भाई अपना फोर्थ रूम रेडी करने, और फोर्थ रूम के लिए एक प्रॉपर टाइल्स उठाओ, देखो ये तो जमीन पे लग जाएंगी, ठीक है जमीन के लिए बहुत सारी टाइलें पड़ी हैं, वॉल के लिए कुछ नहीं पड़ा है मेरे पास, वॉल के लिए ये पेंट है ये पेंट है, क्या इन दो में हो जाएगा काम, अरे ये गंदा भी तो खूब पड़ा है, पहले तो साफ करो इसको। रुक जाओ इसके लिए ना यार पेंट पूरा नहीं पड़ेगा, मुझे पता है पेंट मंगाना ही पड़ेगा, और फिलहाल मैं पेंट मंगा नहीं रहा हूँ, अभी मेरे को कुछ अपग्रेडेशन करने का मन हो रहा है तो अपग्रेडेशन करते हैं। ये देखो थोड़ा पैसा तो जनरेट करें, ये देखो पे फोन्स है, इसको अपग्रेड में लगाते हैं, 300 रुपए ले रहा है, ज्यादा रुपए नहीं ले रहा है, ठीक है, और दोबारा भी 300 रुपए ले रहा है, तो 300 रुपए अभी और इकट्ठे करके टेलीफोन और लगाना है मेरे को, क्योंकि इससे क्या है रात में दिन में कभी भी इनकम होती रहेगी बैठे बैठे। हेलो दीदी, अभी इसके अंदर पड़े थे ना थोड़े बहुत रुपए, तो इसके अंदर ओके 166 रुपीज ही पड़े हैं यार, ओके 260 रुपीज तो हो गए, थोड़े से रुपए और, मैं एक और टेलीफोन बूथ लगा दूंगा यहाँ पे जिसके अंदर लोग बाग बात कर सकेंगे, और यहाँ पे पैसे इकट्ठे होंगे। चलो भाई थोड़े बहुत पैसा और आ जाए, और ये कहाँ चली गई, अबे रेस्टिंग फेज पे चली जाती है, पेट्रोल वाली बनी हुई है लेकिन रेस्ट कर रही है गंदी। देखो रुक पकड़ो, इसको कर देता हूँ मैं मैनेजमेंट में जाके, स्टाफ को कर देता हूँ बंद। भाई 90 रुपए ले लिए, 90 रुपए, देखो तो सही, मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ, ये फास्ट हो जाएंगे। ओके फ्यूल टैंक पे लोग बाग आ गए, ठीक है, इसको मैनेजमेंट में चलते हैं, स्टाफ में चलते हैं, और इसको वापस गैस स्टेशन वाला बना देते हैं। चलो अभी मैं फोर्थ रूम रेडी कर रहा था, अभी भाई बस कुछ रुपए और मेरा एक और टेलीफोन बूथ लग जाएगा। कोई आया क्या टेलीफोन बूथ में, क्या कोई आया, पैसे भी नहीं आए यार टेलीफोन बूथ में, आएगा कैसे कोई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। शॉप रेटिंग्स बढ़ा रही है भाई, ये बढ़िया है, मैक्स एम्प्लॉय टू हायर, ओके इसमें 3
एम्प्लॉयज रह सकते हैं, 3 जनों के लिए एक बेड का है। अच्छा वो भाई इनके लिए भी बाथ टब वगैरह लगा रखे हैं। एक बेडरूम मेरा 2 ही बेडरूम है, 3 कैसे हायर करूंगा, लेकिन एक काम करेगा ऐसा करके। ओके 17 रुपए हो गए, 2400 रुपए और दे जा भाई, 20 रुपीज, 300 रुपए हो गए। टेलीफोन बूथ लगाते हैं अगला, ये रहा अपग्रेडेशन और ये रहा अपना टेलीफोन बूथ, लेट्स गो अपग्रेड। अच्छा एक और लगा सकते हैं भाई, कितने भी लगा सकते हैं, ठीक है अभी इतने पैसे नहीं भाई, और अभी लगाने भी नहीं वाला, उनमें पैसे ही नहीं आ रहे। बाकी अपने नाजायज होटल के 2 स्टार कंप्लीट होने वाले हैं। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, आज अपन ने 4th रूम का सारा आइटम मंगा दिया था, वो 4th रूम रेडी भी हो सकता था बट यार पेंट्स वगैरह मंगाना भूल गया। बाकी तुम लोग ये बताना 3rd रूम कैसा लग रहा है, जो कि मैंने इसे पिछले एपिसोड में सामान उसका ऑर्डर किया था, अभी मेरे को लग रहा है कि उसमें थोड़ी बहुत कमी है, बट उसमें घुसते ही जो फील आता है ना भाई, सारी कमी दूर कर देता है। बाथरूम में थोड़ी सी कमी है कि वो ब्लैक बाथटब मंगाया वो थोड़ा छोटा लग रहा है, बाकी थोड़ा बहुत पेंट में दिक्कत है, वो अपन सही कर देंगे। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।